तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक धार्मिक आंदोलनों से रिलेटेड एक क्विज, जो कि टॉप 40 क्वेश्चन का होगा। इसके हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 4 से 5 सेकंड दूंगा आंसर सोचने के लिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपसे ये बता देता हूं कि जीके में जो अभी हमने धार्मिक आंदोलन पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और उन्हीं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैंने रखे हुए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो आपके ऑप्शन ए रहे, एंड आवर आंसर इज 24। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध ने कहां पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? इसका आंसर है कुशीनगर। इसे कुशीनारा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसके द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? Our answer is अशोक, बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर की माता कौन थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। किस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार में किया गया? Our answer is पाली। तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार में किया गया। Our next question is, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? Our answer is पावापुरी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। Our next question is, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? Our answer is ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। Our next question is, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? Our answer is बौद्ध धर्म। मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। Our next question is, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? Our answer is गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। Our next question, बोध गया कहां स्थित है? Our answer is बोध गया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है या क्या कहलाया? Our answer is धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक था? Our answer is घोड़ा। जब बुद्ध ने गृह त्यागा था तो उनका गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। Our next question is, महावीर का मूल नाम क्या था? Our answer is महावीर का मूल नाम वर्धमान था। Our next question is, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? चलिए फ्रेंड्स, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जाता है गौतम बुद्ध की ओर। हमारा लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे?
तो हमारा आंसर जाता है सी, यानी कि 24वें महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन परंपरा के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अवर आंसर इज, महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अवर ऑप्शन इज, मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या कश्मीर या राजगृह। तो उसका आंसर है कुंडलवन या कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तीसरी बौद्ध संगीति कौसाम्बी में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? Our answer is राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामिल था, जो कि उनका दामाद था। कौन था फ्रेंड? दामाद था, भगवान महावीर का दामाद था। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, इसमें पूछा गया फ्रेंड्स कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वह किसका है? तो ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। किसका है फ्रेंड्स? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अवर आंसर इज, अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था या किया गया था। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो अवर आंसर इज, जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिद्धार्थ जो अथवा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? अवर आंसर इज, गया। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुड़ी संघ की स्थापना कहां की गई थी? तो अवर आंसर इज, वैशाली। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? फ्रेंड्स अवर आंसर इज, चालुक्यों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया है। फ्रेंड्स चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अथवा में आ सकता है इसे, इन्हें सोलंग की भी कहा जाता है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो अवर आंसर इज, सम्मेद शिखर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर इज, महाकश्यप। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही
संघ प्रमुख होना चाहता था, मतलब बुद्ध के जीवित रहते हुए वह जो बौद्ध धर्म का प्रमुख बनना चाहता था वह कौन था? तो आवर आंसर इज देवदत्त। ऐसा देवदत्त था जो बुद्ध के जीवित रहते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रमुख बनना चाहता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो आवर ऑप्शन इज, आवर आंसर इज सत्वतों ने। फ्रेंड्स, वासुदेव कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा सत्वतों ने प्रारंभ की। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों या का सही क्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जितनी भी बौद्ध संगीति हुई हैं, चार ही हुई हैं, उनका सही क्रम, मतलब सबसे पहले कौन सी बौद्ध संगीति हुई है और कहाँ हुई है, उनका आंसर आपको इससे चुनकर देना है। तो पर आंसर इज, सबसे पहले हमारी बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ, राजगृह में, उसके बाद हुई थी वैशाली में, उसके बाद हुई थी पाटलिपुत्र में, उसके बाद हुई थी कुंडलवन में। हमारी पहली बौद्ध कहाँ हुई, राजगृह से फिर वैशाली, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र, पाटली से फिर कुंडलवन। तो अपना आवर आंसर इज 2143, यानी कि डी अपना आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यानी कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो आवर आंसर इज विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आवर आंसर इज छांदोग्य उपनिषद। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर है स्थूलभद्र, यानी कि जैन संप्रदाय जो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था, उनमें श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, जैन ग्रंथ जो है उस एक कल्पसूत्र है, उसके रचयिता कौन है? तो अवर आंसर इज स्थूलभद्र। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता स्थूलभद्र हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो अवर आंसर इज धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना की थी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? अवर आंसर इज अहिंसा। अहिंसा एक ऐसी चीज थी जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी, मतलब दोनों में अहिंसा नहीं थी। चलो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो एंड होता है इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे लास्ट पिछले वीडियो जितने भी वीडियो को मैंने धार्मिक आंदोलनों से रिलेटेड पढ़ाए हैं, अगर आपने उन सभी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बनते होंगे। और अगर नहीं भी बनते हैं तो आप मेरे दोबारा वीडियो देख लीजिए या फिर केवल इस वीडियो को देखिए आप, और इन्हीं से अपने क्वेश्चन या और घेर एकदम रट लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।